सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने पर सहमति बन गई है। सूत्रों का कहना है कि कल लद्दाख में 11 घंटे तक चली कोर कमांडर स्तर की बातचीत में LAC पर तनाव कम करने पर सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई। साथ ही भारत ने कहा कि पेंगोंग झील से चीन अपने सैनिकों को हटाए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस, भारत और चीन यानी RIC की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में एस जयशंकर ने कहा कि विश्व के नेतृत्व की आवाज सबके हित में उठनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन आवाजों को सबके लिए उदाहरण पेश करना होगा। But the challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of their practice. The leading voices of the world must be exemplars in every way. Respecting international law, recognizing the legitimate interests of partners, supporting multilateralism and promoting common good are the only way to build a durable world order. चीन ने भी सैन्य और राजनीतिक स्तर पर मामले को सुलझाने की बात कही है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने गलवान घाटी में झड़प में अपने 40 सैनिकों के मारे जाने की खबर को गलत बताया है। रूस ने भारत को सभी रक्षा सौदों पर तेजी से काम करने और जल्द से जल्द डिलीवरी का भरोसा दिया है। 3 दिन की रूस यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि वो अपने दौरे से पूरी तरह संतुष्ट हैं। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनके और तेजी से उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। रक्षा मंत्री ने कहा, कोरोना महामारी के दौर में किसी भारतीय प्रतिनिधिमंडल की पहली विदेशी यात्रा है। ये भारत और रूस के मजबूत संबंधों को दर्शाती है। आज ही भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग भी हुई। बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत और चीन अपने विवाद सुलझाने में पूरी तरह सक्षम हैं और उन्हें किसी तीसरे पक्ष की मदद की जरूरत नहीं है। रूस के विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन भी किया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज लद्दाख का दौरा किया और लेह में गलवान संघर्ष के घायल जवानों से अस्पताल में मुलाकात की। उनके साथ नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी भी थे। घायल सैनिकों से मुलाकात के बाद जनरल नरवणे को लेह कोर कमांडर ने कल चीन की सेना के साथ हुई बैठक और भारतीय सेना की स्थिति की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक गलवान के बाद अब पेंगोंग झील भारत और चीन की सेनाओं के बीच मुख्य मुद्दा बन रहा है। चीन के फिंगर फोर पर चल रहे निर्माण कार्य पर भारतीय सेना को सबसे ज्यादा आपत्ति है। सूत्रों के मुताबिक आंतरिक सुरक्षा में लगी 35 ITBP कंपनियों को LAC पर भेजा जाएगा। इस पर गृह मंत्रालय जल्द फैसला ले सकता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात ITBP की 15 कंपनियां लद्दाख भेजी जा चुकी हैं। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी खरीद के लिए ई कॉमर्स पोर्टल GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर नए उत्पाद को रजिस्टर करने के लिए नियम बदल दिए हैं। अब विक्रेता को बताना होगा कि उत्पाद किस देश में बना या कहां से आयात हुआ। GEM पोर्टल पर मेक इन इंडिया फिल्टर भी एक्टिव कर दिया गया है। इससे पता लगेगा कि उत्पाद में कितना प्रतिशत स्थानीय कच्चा माल लगा है। गलत जानकारी देने पर प्रोडक्ट को GEM पोर्टल से बाहर कर दिया जाएगा। अभी जो 4 जून की पॉलिसी में जो जेम को कहा गया है करने के लिए, वो ये है कि आप लोकल कंटेंट कैप्चर करें और फिल्टर दें और बायर को ये फ्रीडम दें कि वो लोकल कंटेंट के हिसाब से प्रोक्योरमेंट कर सके एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। नई व्यवस्था में सरकार के पास विदेशी उत्पादों का पूरा हिसाब होगा। GEM पोर्टल पर इस वक्त 17 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। जी मीडिया ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीन ने नेपाल के 11 इलाकों पर कब्जा कर लिया है और नेपाल की जनता का इससे ध्यान हटाने के लिए KP शर्मा ओली सरकार ने भारत से सीमा विवाद छेड़ा है। जी न्यूज के पास नेपाल की ऐसी 11 जगहों की लिस्ट है जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है। इसके अलावा नेपाल की कुछ नदियों के हिस्से पर भी चीन का अवैध नियंत्रण है। चीन ने तिब्बत से सटे नेपाल के एक गांव पर भी कब्जा कर रखा है, जबकि ये गांव नेपाल के नक्शे का हिस्सा है।
आतंकी और जासूसी गतिविधियों को लेकर भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग में 50% कर्मचारी कम करे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायोग के अधिकारी को तलब कर अधिकारियों की गतिविधियों पर चिंता जताई। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी जासूसी में शामिल हैं और आतंकी संगठनों से संबंध रखते हैं। पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारी कुछ दिन पहले जासूसी करते हुए पकड़े गए थे और उन्हें 31 मई को देश छोड़ने को कहा गया था। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में भारतीय अधिकारियों को डराने का अभियान चला रहा है। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 56.37% है। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,40,215 हो गए हैं। इनमें इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,48,190 है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14,933 नए मामले सामने आए और 312 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 14,011 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जांच में तेजी आई है। ICMR ने 22 जून तक देश भर में 71,00,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट किए हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले कानून अनुच्छेद 370 के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की तस्वीर को एकजुट रखने के लिए अपना बलिदान दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A खत्म होना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके दृष्टि को आत्मसात करते हुए पार्टी को कैसे आगे मजबूत किया जा सकता है, इसके चिंतन करने के लिए, अवलोकन करने के लिए हम सब लोग एकत्र हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन आज ही के दिन 1953 में हुआ था। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.